और बड़ी खबर आपको बता दें, कैमूर जिले से स्कूल पढ़ने गई अपहृत बच्ची को बरामद कर लिया गया है। 3 साल की मासूम को रामगढ़ से बरामद कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हमारे साथ। अशोक जी, जो बच्ची थी उसे अब बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये मामला कैमूर जिले का है और कल यानी कि 30 सितंबर की घटना है, जब स्कूल से तीन साल की बच्ची को गायब हो गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इसकी जांच कर रही थी और इसको लेकर के जिला प्रशासन यानी प्रशासन पूरी तरह से मौजूद था। और इसकी जब सूचना मिली तो वहाँ के एसपी जो कैमूर के हैं राकेश कुमार ने उस परिवार को सांत्वना देने के लिए वो वहाँ पहुंचे थे और तो उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो, जो भी दोषी हो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। यह मामला कैमूर के रामगढ़ के सरस्वती सूर्य मंदिर स्कूल का है और गायक जो है तो गोल्डी कुमारी है, 3 वर्ष की ये बच्ची थी और यह अर्जित कुमार पुत्री थी। अभी जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उस बच्ची को बरामद कर लिया है और एक जो अपराधी है उसको भी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, क्योंकि जो इस बच्ची के बारे में बताया गया था कि स्कूल में छुट्टी हो जाने के बाद जब यह अपने घर नहीं पहुंची और स्कूल के सभी बच्चे अपने घर पहुंच गए तो जो इसके परिजन थे उन्होंने प्रिंसिपल से इसकी जानकारी दी और प्रिंसिपल से जब ये जानकारी मिली कि स्कूल में नहीं है तब उसको लेकर के पुलिस को खंगाला गया और पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई की है और इस कार्रवाई का असर यह दिखा जा रहा है कि बच्ची बरामद कर ली गई है और एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद क्या सामने बात आती है यह तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं इस मामले में पुलिस ने तो एक सफलता हासिल की है, बच्ची को बरामद कर लिया गया है, अपराधी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब गिरफ्तारी के बाद उस अपराधी से जब पूछताछ होगी तब मामले का खुलासा होगा कि आखिर इस बच्ची का क्यों अपहरण हुआ। लेकिन इस बच्ची के बरामद होने से जहां उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है वहीं पुलिस भी पूरी तरह से सुकून है, क्योंकि इस बच्ची के अपहरण होने से पूरे जिला में हड़कंप मच गया था और खास करके नवरात्रा के समय में किसी बच्ची का अपहरित होना निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के दामन पर दाग लगे थे, जिसे पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद कर लिया। जी जी, शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।